नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बांदा में एक बार फिर विद्युत विभाग की लापरवाही से एक घर तबाह हो गया। 11,000 लाइन की चपेट में आने से पिता पुत्र की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने बिजली विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए घंटों हंगामा काटा। इस घटना का जिम्मेदार बिजली विभाग को बताते हुए लोगों ने पुलिस को शव तक नहीं उठाने दिया। काफी देर समझाने के बाद पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि मामला बांदा जिले के गिरवा थाना के बंडे का पुरवा का है, जहां सुबह 11,000 लाइन के जर्जर तार के टूटने से गांव के 46 वर्षीय पप्पू उसकी चपेट में आ गया और बुरी तरह से झुलस गया। तभी उसका 17 वर्षीय बेटा भी उसको बचाने दौड़ा और वो भी करंट की चपेट में आ गया, जिससे दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने इस घटना का जिम्मेदार बिजली विभाग को बताते हुए विभागीय अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की और पुलिस को शव नहीं उठाने दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि रात में तार गिरने के बाद सब स्टेशन में उन्होंने लगातार फोन करके सूचना देनी चाहिए, पर विभाग के लापरवाह कर्मचारियों ने फोन तक उठाने की जहमत नहीं उठाई, जिस वजह से पूरा परिवार बिखर गया। ग्रामीण घंटों तक जाम लगाए रहे। बाद में कार्रवाई का आश्वासन के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस बारे में विद्युत विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 11,000 लाइन की चपेट में आने से पिता पुत्र की मौत का मामला जानकारी में आया है, वो बिजली विभाग की लापरवाही भी सामने आ रही है। जांच कराई जाएगी, जांच के उपरांत दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस घटना के बारे में बांदा सीओ सिटी राजीव प्रताप सिंह का कहना है कि लाइन के चपेट में आने से दो लोगों की मौत हुई है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस को शव नहीं उठाने दिया था। आश्वासन के बाद मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और घटना की जांच कराई जा रही है। ऐसा तार टूट गई है। कब हुई थी घटना, कैसे हुई थी? ऐसा भीतर रहे थे हम, है तो वो छू गए हैं तो चपक गए हैं सब जने। चपक गए तो मैं अपने हाथ में लात मार रहा आईने आईने पकड़े रही हूँ। कितने लोगों की डेथ हो गई है, कितने लोग एक्सपायर हो गए हैं? बच्चा है करंट मोरे, अभी लोग इनके तो जान चली गए, हम दो बच गए। क्या नाम है उनका जिनकी जान गई है, कौन कौन है वो? ना बता जा। पप्पू लड़का का। और लड़के का क्या नाम है? इसमें आप किसको लापरवाही मानते हैं? या बिजली विभाग वाला, जिन्होंने बिजली बनाओ रहा है। 3 महीने से सब हो गए, हम खाना नहीं खाया। 12-12 बजे तक रोड में बैठे रहे हैं और वो कान जोड़ गए तो कहे का तुम मर जाओ चाहे जिंदा रहो, तो मैं फोन उठाऊंगा नहीं है आऊंगा। कौन कह रहा था? बिजली लाल। अब आपकी मांग क्या है, बिजली विभाग से मांग क्या है, किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप? किस तरह की मांग चाहती हैं आप? सर एक खंभा उठ के इधर आई और आगे चल के तुम्हारे जो बच्चियां हैं उनको क्या कहना चाहते हैं? उनको मेरा लाभ। क्या 12:15 बजे आज का तार टूटा है, हम गांव में गए सबके पास कोई नहीं आया। प्रधान के यहाँ गए वो भी नहीं आए, फिर राकेश ठाकुर के यहाँ गए वो आया 1:15 बजे, 1:15 बजे आज काटी गई। तो ये हादसा कैसे हुआ और इसमें कितने लोगों की मृत्यु हुई है? 2 लोगों की हुई। कौन कौन है? बाप बेटा है। बाप बेटे हैं। उस समय क्या टाइम हो रहा होगा जिस समय ये हादसा हुआ? ये 12:15 बजे का हादसा है। आपको क्या लगता है ये पूरी घटनाक्रम में कौन जिम्मेदार है? बिजली विभाग। बिजली विभाग है। आप कैसे मानते हैं कि बिजली विभाग जिम्मेदार है? जब उसको बोला गया कि तार नहीं जोड़ना, गांव के भी लोग रोक रहे थे कि तार नहीं जोड़ना, तो तार जोड़ के चले गए, बिजली आई, फिर वैसे हुआ तार टूट गया। ये मकान के ऊपर से कितने दिनों से तार जा रहा है इनके मकान के ऊपर? ये मकान से लगभग 35 वर्ष हो गया। तो क्या कभी कंप्लेन नहीं की कि ये मकान नीचे पड़ता है तार हटा लिया जाए, कुछ कंप्लेन? नहीं, मकान तो अभी 2002 में बना है, तो कंप्लेन किया जब तार टूटा, हम बोले नया वायर डलवा दो, तो बोला ये नहीं अब कुछ होगा। ये परिवार कौन है, कौन है आप इनके जो है, क्या क्या रिश्ता है इनसे? मेरा मामा है, मामा का रहता है। इनकी कुछ डिमांड है बिजली विभाग से, क्या डिमांड है इनकी? उनका फैसला होना चाहिए। कुछ मुआवजे वगैरह की इन्होंने बात बोली थी,
मुआवजा क्या क्या है रकम मुआवजे की, मुआवजे में क्या चाहिए इनको? कम से कम 5,500 रुपये एक आदमी का चाहिए। ऐसा क्यों? क्या परिवार ज्यादा गरीब है क्या? एकदम गरीब है, दूसरे की जमीन जोत के बताई घर चलाते हैं। रात में होता है उसके नीचे जो उनका लाइन निकली हुई घर मकान के बगल से, तो रात में सो रहे थे, अचानक तार टूट गई। घटना के बाद से जानकारी हुई है कि तार से झुलस के खत्म हो गए दोनों, ये जानकारी प्राप्त हुई है। इसमें किस तरह की आप लोगों के द्वारा उनको मुहैया कराई जाएगी जो राहत वगैरह है? क्योंकि इसमें विभागीय जांच होती है, विभागीय जांच कराने के बाद उनको मुआवजे की राशि 5,00,000 रुपये दी जाती है। यदि किसी भी ऐसी से दुर्घटना होती है तो 5,00,000 मुआवजे की राशि दी जाती है। संबंधित कर्मचारी जो भी होगा उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी जो भी होगा। पीड़ित परिवार के परिजनों को कहना है कि रात के 12 बजे का ये हादसा है, उस समय बिजली आ रही थी, जब हादसा हुआ वहाँ काफी शोरगोल हुआ, इसके बाद में आपके सब स्टेशन में उन्होंने कॉल लगाई, फिर भी सप्लाई बंद नहीं हुई, 1:15 पे सप्लाई बंद हुई यानी कि 1.25 घंटे पर। ऐसा क्यों हुआ? क्या मशीन डिस्टर्ब थी, किन कारणों के बस ऐसा हुआ? पूरी जानकारी नहीं है। लॉक सीट वगैरह हमने मंगा दी है, संबंधित तहसीलदार के खिलाफ इस तरह किया है, फोन नहीं उठाया है, किसी तरह इस तरह की कार्रवाई गलत किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रात में सूचना मिली थी कि गिरवा थाना क्षेत्र के बंदे गांव में 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन राजू गुप्ता के मकान पर गिर गई थी, जिसके कारण उनके मकान में आग लग गई थी। इसी घटना के दौरान उनके बगल में रहने वाले पप्पू सन ऑफ मदारी ये आग को बुझाने के लिए गए थे और उसी समय तार की चपेट में आ गए थे, और उनको बचाने के चक्कर में उनका पुत्र भी तार की चपेट में आ गया और जिससे मौके पर ही दोनों की मृत्यु हुई। इसमें पुलिस जांच कर रही है, जांच के आधार पर कार्रवाई की। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।